गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स हमारे जो ग्रीन फ्रेंड्स है उसमें जो टॉपिक्स चल रहे थे हमारे कि हमें प्लांट्स क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, क्या क्या देते हैं, तो उसमें हमने पेपर, गम, रबर, फोडर, वेजिटेबल, दाने, अनाज, सीरियल्स, ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे। आज हमारे टॉपिक है फ्लावर, फूल। फूल कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं, डेकोरेशन में, सजावट के लिए काम में लिए जाते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ सम प्लांट्स आर यूज फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन, डेकोरेशन का मीन होता है सजावट में। फ्लावर का यूज़ किस में किया जाता है? डेकोरेशन में, सजावट के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, रोज, मैरीगोल्ड, डहेलिया एंड लॉटस, ये फ्लावर्स हैं। और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो आपने देखे होंगे, चमेली है, जैस्मीन है, एक्सेट्रा, जो भी जितने भी फ्लावर्स हैं वो इनका यूज़ होता है। वी यूज़ फ्लावर्स टू मेक बुके। अब देखो, फ्लावर का यूज़ कहाँ होता है? फर्स्ट है डेकोरेशन में हो गया, सेकंड है बुकेट्स, हाँ जो बुकेट्स होते हैं गुलदस्ते, उनमें किया जाता है, जो गिफ्ट के रूप में प्रोवाइड दिए जाते हैं। गार्लैंड्स आर आल्सो मेड फ्रॉम फ्लावर्स। अब ये देखो, जो माली होते हैं, ठीक है, गार्डनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लावर्स की एक माला बनाते हैं। पहला तो हो गया डेकोरेशन में, सेकंड है बुकेट में, मालाओं में। सम प्लांट्स लाइक क्रोटन्स आर ऑल्सो नॉन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो चमकीले होते हैं, तो उन्हें किस में लिए जाते हैं, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? सजावटी पौधे, ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल का मीन होता है सजावटी। ये देखिए, रोज, मैरीगोल्ड, डहेलिया एंड लॉटस आर वेरी ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव फ्लावर एंड यूज डेकोरेशन बुकेट। ओके, डेकोरेशन में यूज़ में लिया जाता है, बुकेट में यूज़ में लिया जाता है। मैरीगोल्ड इज़ नॉट ए सिंगल फ्लावर, इट इज़ ए बंच ऑफ सेवरल फ्लावर्स। ये जो मैरीगोल्ड होता है, मैरीगोल्ड, गेंदा जिसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, एक सिंगल फ्लावर नहीं होता, बल्कि बंच ऑफ सेवरल फ्लावर्स, एक गुच्छा होता है फ्लावर्स का। ओके, ये हमारे हैं ट्रू फॉल्स। ओके, तुलसी इज़ अ मेडिसिनल प्लांट। ओके, ट्रू, तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट है। रबर इज़ ए यूज टू मेक टायर्स एंड पाइप। ट्रू। शुगर कैन इज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। नो, फॉल्स, जो शुगर कैन है वो ऑर्नामेंटल प्लांट नहीं है, सजावटी में यूज़ में नहीं लिया जाता। फर्नीचर इज अ मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज सम अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स, और कौन कौन से यूजेज है प्लांट्स के। देखो, वी ऑल्सो यूज़ प्लांट्स टू मेक सॉप्स, शैम्पूज एंड बॉडी लोशन, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। और क्या क्या यूजेज हैं? साबुन में, शैम्पूज में, सॉप्स में, शैम्पूज में, बॉडी लोशन में, टूथपेस्ट में, एक्सेट्रा में इनका यूज़ किया जाता है प्लांट्स का। द ड्राइड एंड क्रस्ड लीव्स टू मेहंदी प्लांट आर यूज एज ए डाई कॉल्ड हीना। अब देखो जी, ये जो हीना जो होती है, एक मेहंदी होती है, ठीक है, ये कहाँ से मिलती है? लीव्स से, प्लांट की लीव्स से। प्लांट की लीव्स लेंगे, ठीक है, उसे ड्राइड करेंगे, क्रश करेंगे, कुचलेंगे या मसलेंगे अच्छे से, और मेहंदी, और उसको क्या कहते हैं, डाई को हीना मेहंदी। एक प्लांट होता है मेहंदी का, ठीक है, मेहंदी का प्लांट होता है, उसकी लीव्स को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में उसे ड्राइड करेंगे, सुखाएंगे और क्रश करेंगे, अच्छे से मसलेंगे, और हमें क्या उससे मिल गई, डाई। डाई कॉल्ड, डाई क्या कहलाती है, हीना। टू टेन द कलर ऑफ स्किन ऑफ हेयर, ये क्या करता है, हीना मेहंदी जो होती है वो क्या करती है, अपनी हेयर जो कलर है, ब्लैक, जैसे ब्राउन है कलर, तो अपने जो हेयर कलर होता है उसमें यूज़फुल होता है, अपने जो इसकी जो हेयर कलर है, हेयर का कलर, उसको चेंज करने में मेहंदी यूज़फुल होती है। इन फैक्ट, प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस इन मैनी वेज, दे सम इज ट्रू फॉर एनिमल्स एज वेल। अब ये देखो, प्लांट्स का यूज़ बहुत सारे विभिन्न वेज में, तरीक़ों में होता है। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बर्ड्स, स्क्वायरल एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव ऑन ट्री। बर्ड्स, पक्षी, और स्क्वायरल, गिलहरी, ठीक है, एंड मैनी अदर एनिमल लिव इन ऑन ट्री। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे बर्ड्स हो गई, गिलहरी हो गई, स्क्वायरल्स हो गई, ये कहाँ रहती हैं, कहाँ लीव करती हैं, पेड़ के ऊपर नेस्ट बना के, घोंसला बना के, या फिर ऐसे ही। बटरफ्लाईज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर एज दियर फूड। बटरफ्लाईज क्या करती हैं, नेक्टर को सक करती है, कहाँ से, नेक्टर को लेंगे कहाँ से, कहाँ से चूसेंगी नेक्टर को, सक मीन्स होता है चूसना, ठीक है, नेक्टर को कहाँ से लेगी,
वो लेगी फ्लावर से, ये लिक्विड होता है जो उनका फूड होता है, नेक्टर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो बटरफ्लाइज का फूड होता है। वाई शुड वी ग्रो प्लांट्स, हमें प्लांट्स को क्यों लगाना चाहिए, उनकी ग्रोथ क्यों करवानी चाहिए? तो क्यों करवानी चाहिए, क्योंकि ये हमें एयर प्रोवाइड करवाते हैं, फ्रेश एयर, ठीक है, ये हमें छाया देते हैं, फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल देते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम इनकी रक्षा करें, हम इनको उगाएं, हम इनकी ग्रोथ करवाएं, ठीक है। प्लांट्स क्लीन द एयर एंड कीप इट फ्रेश, प्लांट से क्या हमें मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। दे ऑल्सो ब्रिंग रेन्स, ठीक है, जब प्लांट होंगे तो रेन होगी, बारिश होगी। प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन और प्रिवेंट मिट्टी के कटाव को, जब वो मिट्टी बहती है बारिश के समय तो प्लांट्स की रूट्स क्या करेगी, उनकी जो मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी कट रही है, उसको रोकेगी, प्रिवेंट करेगी। प्रिवेंट का मीन्स है रोकना, सॉइल इरोजन का मीन्स है मिट्टी के कटाव को। ट्रीज एंड प्लांट्स मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, ट्रीज़ और प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे संसार को बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर बनाते हैं। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर एंड लीव्स, हमें क्या नहीं करना चाहिए, फ्लावर्स को लीव्स को तोड़ना नहीं चाहिए, प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि हमें प्लांट्स को ग्रो करवाना चाहिए। वी शुड कलेक्ट फॉलन लीव एंड फ्लावर, हमें क्या करना चाहिए, जो गिरी हुई लीव्स और फ्लावर्स है उसे कलेक्ट करना चाहिए। दे कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट, अभी हमें क्या करना चाहिए, खाद बना लेना चाहिए, जो गिर गई है लीव्स उनकी हमें खाद बना लेनी चाहिए। कीपिंग इन व्यू द मैनी यूजेज ऑफ प्लांट, और हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें इसको डाल देना चाहिए, इनका यूजेज बहुत जगह होता है। वी शुड ग्रो एज मैनी प्लांट एज वी कैन, हमें अधिक से अधिक संख्या में हमें प्लांट्स को ग्रो करवाना चाहिए, उगाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए प्लांट्स जो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्लावर्स लीव्स इनको तोड़ना नहीं चाहिए, पेड़ कट नहीं करना चाहिए, हमारे जो आसपास ट्रीज़ हैं उन्हें कट नहीं करना चाहिए, इनसे हमें बहुत सारी थिंग्स मिलती है, फ्रूट वेजिटेबल फल फूल आवास आदि हमें प्लांट से मिलता है। तो हमारा जो मॉरल है वो यही है इस चैप्टर से कि हमें प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, इन्हें अधिक संख्या में लगाना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं वी शुड ग्रो एज मैनी प्लांट वी एज वी कैन, हमें अधिक से अधिक संख्या में प्लांट्स को लगाना चाहिए। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थैंक यू।